So hello everyone, welcome to Bloomin' Rose Academy, and today I'm going to start the new chapter of class 4, that is multiples and factors. So basically हमें इस chapter में क्या cover करने हैं, multiples, common multiples, factors, even and odd numbers and divisibility by some prime or composite numbers. So सबसे पहले हम जानते हैं multiples क्या होता है. What is a multiple? सपोज करो कि हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं और हमने यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या है 6. 3 को 3 से करें तो प्रोडक्ट क्या है 9. 3 को 4 से करते हैं तो प्रोडक्ट आया 12. सो मल्टीपल क्या होगा, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? When a given number is, given number हमारे यहाँ पर क्या है 3. When a given number is multiplied by every counting number, जैसे कि जितने भी हमारे counting numbers हैं हम उसको given number से हम multiply कर देंगे और जो भी हमारा product आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, multiple हो जाएगा, multiple of that given number. So when a given number is multiplied by a counting number is known as the multiple. तो हमारे यहाँ पर multiple क्या हो गया, 3, 6, 9, 12 are the multiples of 3. Like for second example हम लोग यहाँ पर 5 ले ले रहे हैं, तो और अगर हमसे ये कहा जाए कि राइट द फर्स्ट 4 और द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नो नॉट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 फर्स्ट 4 मल्टीपल्स. हम लोग को क्या करना है, सीधे 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 तो हमारा फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हो गया 5, 10, 15, 20. दीज आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5. हम लोगों ने अभी क्या किया, गिवन नंबर को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4 और जो भी हमारा प्रोडक्ट आया वो हमारा क्या हो गया, मल्टीपल्स. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ, दीज आर द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5. अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, व्हाट इज अ कॉमन मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल मींस व्हेन अ नंबर इज ए multiple of both of 2 or more numbers is called common multiple. जैसे कि 6 लेते हैं, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है. 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 2 = 6 होता है, तो 6 हमारे 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं दैट 6 इज अ कॉमन मल्टीपल टू 3 एज वेल एज 2 एज वेल एज 3. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि 15 3 के टेबल में भी आता है, 3 × 5 = 15, 5 के टेबल में भी आता है, 5 × 3 = 15. सो 15 इज अ कॉमन मल्टीपल टू 3 as well as 5. अब कोई ये कहे कि राइट द फैक्टर्स ऑफ 6 या 15, तो ये हमारे जितने भी नंबर्स हैं, ये 3, 5, 2, 3, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन अभी हमें मल्टीपल्स लिखना है. तो हमें ऐसे ऐसे नंबर्स लिखने हैं, हमें ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जिसके टेबल में 6 आता है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 6.
सो सिक्स किसके किसके किस टेबल में आता है? वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है और सिक्स के टेबल में आता है। सो दीज आर नोन एज द फैक्टर्स। और इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जो कि इनके टेबल में आता है फैक्टर्स। और अगर हम किसी भी मल्टीपल की बात करें तो एवरी नंबर, एवरी मल्टीपल हैज अ फैक्टर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सिक्स का फैक्टर अगर कोई बोले कि सिक्स के कोई दो फैक्टर लिखो, तो हम किसी भी नंबर के फैक्टर अगर पूछे तो हमारा सबसे पहला क्या होगा? एवरी नंबर हैज अ फैक्टर दैट इज द वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे सिक्स का फैक्टर बोला है तो वन हो गया, एक वन के टेबल में भी आता है और एक सिक्स के टेबल में, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। सो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया कि व्हेन अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स। अगर कोई भी मल्टीपल दो या दो से अधिक नंबर्स के टेबल में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। Now what is product? Suppose for example अगर हम 6 3 18, यहाँ पे 6 और 3 है। अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। When we multiply two or more than two numbers, when we multiply two or more than two numbers, then we get a product of that number. तो हमारा यहाँ पर product क्या है? 18। तो 6 × 3 हमारा प्रोडक्ट क्या है? 18। वैसे 2 × 4 जब हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा? 8। 5 × 6 30। 2 × 2 × 3 2 × 4 4 × 12 हमारा प्रोडक्ट क्या आया है? इन तीन नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 12। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू और मोर देन टू नंबर्स देन वी गेट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। और ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है, लाइक 2 × 4 = 8 है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है 8, दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जैसे कि 2 × 4 = 8 है तो 8 हमारा 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? 2 × 2 × 3 हाँ हमारा प्रोडक्ट है 12। तो 12 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 2 × 2, और 3 के टेबल में भी आता है। सो हमारा क्या हो गया? ये एवरी प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सिक्स
या 36। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है 36 हमारे 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 2 8 36। So when we multiply 2 or more numbers, that is a product, and each product is the multiple of each of the given number. सपोज यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें 6 और कोई बोले कि राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, तो हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा? 6 × 1 = 6। सो ये हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, क्योंकि 6 × 2 करेंगे तो वो 12 तो बड़ा है 6 से। 6 × 3 करेंगे तो 18। तो every given number is the smallest multiple of the number itself। यहाँ पे कोई भी number हो और कोई भी बोले 7 हो गया, 21 हो गया, 39 हो गया, 42 हो गया, बोले कि like the smallest multiple of this given numbers, तो हमारा smallest multiple क्या होगा? 7 होगा, 21 होगा, 39 होगा, 42 होगा, क्योंकि एवरी गिवन नंबर इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ये स्मॉलेस्ट मल्टीपल ही होता है खुद के टेबल में, जैसे 7 × 1 = 7, 7 × 2 जो करोगे तो 49 होगा, 14 को ऑलरेडी 7 से बड़ा तो 7 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। 21 में देखें तो 21 × 1 = 20, 39 × 1 = 39, 41 × 1 = 42। सो these are the smallest multiple of the number itself. Every counting number is the smallest multiple. जितने भी counting number हैं, that is the smallest multiple of the number itself. और नंबर्स कैसे पहचानें कि ये नंबर इवन है कि ऑड? सिंपल है, इफ एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 they are even numbers. Suppose 36 सिर्फ तो ये हम 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 × 2 = 2 8 = 16, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, डिविजिबल भी हो गया। सो 36 इज द इवन नंबर। 43 का तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, सो 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, सो 43 इज द ऑड नंबर। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में
0, 2, 6, 4, 8 आता है. सो दैट गिवन नंबर इज एन इवन नंबर, वो हमारा इवन नंबर कहलाता है. अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 अगर ये सब नहीं होते तो दैट इज अ ऑड नंबर. 36 में क्या था, लास्ट में 6 था, तो 6 जो कि इवन नंबर है और 36 हमारा 2 से डिविजिबल भी हो गया, दैट इज नो रिमाइंडर. तो हमारा 36 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया. वही यहाँ पे 43 देखें तो 3 हमारा जो कि ऑड नंबर है, और इजली हम ये कह सकते हैं कि 43 हमारा ऑड नंबर है और वो 2 से डिविजिबल भी नहीं हो सकता, तो 43 इज एन ऑड नंबर. तो जिस नंबर के लास्ट में उसकी वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 6, 4, 8 है तो दैट नंबर इज ए इवन नंबर, अदरवाइज दैट इज ए ऑड नंबर. अगर कोई बोले कि 739 इवन है कि ऑड, इसके लास्ट वंस प्लेस पे क्या है, 9 जो कि ऑड है, तो द गिवन नंबर इज ए ऑड नंबर. नहीं यहाँ पे अगर 734 होता तो लास्ट प्लेस पे क्या है, 4, तो गिवन नंबर इज ए इवन नंबर. कोई अगर कहे कि 100 इवन है कि ऑड, लास्ट प्लेस पे क्या है, 0, तो 100 इज ए इवन नंबर. अगर 101 होता तो लास्ट प्लेस पे 1 है, 1 जो कि ऑड है, सो द गिवन नंबर इज ए ऑड नंबर. सो सिंपली अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आते हैं तो दैट नंबर इज इवन, अदरवाइज दैट इज ऑड नंबर. सो नाउ हमारा सबसे छोटा, ये इवन है ये ऑड है, वन डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट वन डिजिट हो गया हमारा इवन नंबर, क्या होता है 2. ऑड में और लार्जेस्ट में इवन क्या होता है, 8. यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमारा वन डिजिट क्या होता है, 1 स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट क्या होता है, 9. अब 9 के बाद जो 10 है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ 2 डिजिट नंबर, सो 2 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 10 इवन में, और लार्जेस्ट में हमारा हो गया 99, क्योंकि 99 के बाद तो 3 डिजिट के नंबर आते हैं, स्टार्ट रहते हैं. सो स्मॉलेस्ट और में क्या हो गया हमारा, 10 के बाद हमारा 11 इज द स्मॉलेस्ट और डिजिट नंबर, लार्जेस्ट हमारा हो गया 98 और हो गया हमारा 99. तो लाइकवाइज 3 डिजिट में हमारा स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा इवन डिजिट हो जाएगा हमारा 100, और लार्जेस्ट हमारा हो जाएगा 998. यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमारा हो जाएगा ऑड में 101, और लार्जेस्ट में हमारा ऑड में हो जाएगा 999. So in the next class we have to cover the factors and the divisibility by some numbers. Factors and divisibility.
today we have covered the multiples, multiple, common multiple, even and odd number. So in the next class I will be covering factors and divisibility by some prime numbers. So for today, this one.